सदगुरु की कृपा होने से समस्त जगत के कार्य सरल हो जाते हैं। हमें जानना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो क्या हम चाहते हैं। हम जो कुछ भी चाहते हैं वो यहाँ स्थिर रहने वाला नहीं है, वो ही हमें कामनाओं में प्रकट होता है और हम कामनाओं के अधीन होकर अपने आप को एक तरफ खींचे चले जाते हैं और सत्य से परे होते रहते हैं। धर्म शास्त्र इसलिए बनाए गए हैं कि उससे वो सत्य की परिभाषा को समझें और सत्य की परिभाषा को समझकर वो अपने आप अपने वर्तन को सुधार दें। परंतु मैं देख रहा हूँ और अनुभव भी कर रहा हूँ कि मेरे आसपास जो भी जीव जंतु जगत के आधार में रहते हैं उसमें सतोगुण तमोगुण रजोगुण भरपूर भरे हुए हैं। अब जो सतोगुण है वो तो पशुओं में चला गया है और जो तमो और रजोगुण है वो मनुष्यों में रह गया है। इसीलिए मनुष्य मन के अनुसार दौड़ रहा है और उसी को मनुस्मृति कहा है। बार बार बताया गया है कि ये मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति के अंदर कुछ जो कहते हैं कि जातियां बनाई, जातियां बनाई, वो उसमें मनुस्मृति में बताया गया है। वो जो बताया गया है वो स्वयं अपने आप का एक अनुभव मात्र है। उसे सत्य और उसको जब सत्य में पराकाष्ठा आ जाए तब ही वो समझ में आता है। जातियां बनाने का मतलब है कि जो हमारे दान और बुद्धि और विवेक से होशियार है, समझदार है। समझदारी दो प्रकार की होती है, एक तो भौतिक समझदारी और एक आध्यात्मिक समझदारी। जो देहिक है वो भौतिक समझदारी में आता है, उसके अनुसार सुख शांति सुख शांति सुख शांति सुख शांति चाहते हैं और हम अपने मनो मस्तिष्क को बराबर इस प्रकार की तरंगों से विरक्त करके उसमें शामिल हो जाते हैं जिसे कोलाहल कहते हैं। ये जो कोलाहल है इसको समझना बड़ा कठिन है। कोलाहल को समझ लो, ये जगत में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो समस्त क्रियाएं कोलाहल हैं, वो कोलाहल हैं, कोलाहल। और वो समय का चक्र जो चल रहा है उस दाते के अंदर, उस समय के अंदर वो युग, उस प्रकार की प्रकृति, उस प्रकार के मनुष्य, उस प्रकार का ज्ञान, उस प्रकार का अध्ययन, उस प्रकार का ज्ञान और विज्ञान बढ़ता जाएगा। परंतु वो सिर्फ और सिर्फ बाह्य होगा, भीतर से नहीं। भीतर से कब होगा? जब ये कहा है कि जिसका भीतर से हो चुका है उसे बाहर के करने की जरूरत है। जो भीतर से ही अपने आप को बदल लेता है तो बाहर हमें इस देह के ऊपर कोई भी चोला ओढ़ने की जरूरत नहीं है। न मैं हिंदू हूँ, न मैं मुसलमान हूँ, न मैं ईसाई हूँ, न मैं क्रिश्चियन हूँ, न मैं क्रिस्ती हूँ। मैं कोई भी जाति में नहीं आता हूँ सिवाय एक जाति के। सदगुरु शिवात्मा रामदास यही समझा रहे हैं कि तुम अपने आप को जो मैं समझा हूँ वो समझ लो। जो मैं मनुष्य बना के रखूँगा तो
इस जगत के अंदर ईश्वर को प्राप्त कर सकूंगा, परंतु देह से मनुष्य होकर हमारे मनोमस्तिष्क से कामना युक्त होकर जो रावण में बताई गई हैं वो कामनाओं के वशीभूत हो जाते हैं। हम कामनाओं के वशीभूत होते हैं और कामनाओं के वशीभूत होने पर वो क्रियाएं, वो जरूरत हैं जो शरीर को सुख देता है उसकी हम आपूर्ति करने में लग जाते हैं। हम जीवन भर कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो ईश्वर ने इतना प्रमाण दिया है कि हे पुत्र, हे जीव, हे मेरे अंश, तुझे इस संसार के अंदर अगर मैं कोई देह धारण करवाऊंगा तो मैं तुझे दांत दूंगा, तू जिससे चबा सके, या तुझे वो त्राणेन्द्रिय शक्ति दूंगा जिससे तू उसका रस सेवन कर सके, वो बाह्य शक्तियों का सेवन करके अपने देह को इतना बलिष्ठ ऋतु के नियमानुसार चले ऐसा। शरद गर्म और बरसात को सहकर मन के द्वारा स्थिर होकर वो अपने आप को ईश्वर के शरण में अगर डाल देता है तो उसे कोई भी धर्म पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परहित काज जो कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घटित हुआ है वो समस्त मेरी महेच्छाओं का ही कारण है। इसीलिए सदगुरु शिवात्मा रामदास शिवात्मा राम बार बार समझा रहे हैं कि हे अबोध बालकों, हे अबोध बालकों। बालक क्यों कहा है? क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है कि हम अपना अच्छा और बुरा देख सकें, जो कि हमें अपने सामने ही वो दृष्टिगोचर होता है, परंतु हम अपना अच्छा और बुरा देखने में अपने देही और मन की जो इच्छा है, मन को सुख देवे ऐसी क्रियाएं हैं उसमें अलिप्त हो जाता है और ईश्वर की शरण यानी कि सत्य निष्ठा अहिंसा परहित काज जो भी कार्य हम करते हैं वही ईश्वरीय कार्य है। ईश्वर तुम्हारा बुरा क्यों करेगा? क्या तुमने उसका बिगाड़ा है? तुमने उसका बिगाड़ा है इसीलिए वो तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही जन्म और मरण प्रदान करता है, और वो जन्म और मरण प्रदान करने के साथ साथ उस देह के विचार के कारण उस योनि प्रदान करता है। ऐसी योनि प्रदान करने के साथ साथ वो उस प्रकार की प्रकृति प्रदान करता है जिस प्रकार की प्रकृति के अंदर वो जीव अपने आप को ढाल सके। यह उत्पत्ति है, किस प्रकार से डाल सके? सर्वत्र जब जल ही जल था, कहीं कोई जीव नहीं था, तो उसके अंदर चेतना प्रकट हुई। बार बार समझाया जाता है और बार बार समझाने के बाद भी अगर समझ में आ जाता है तो ईश्वर का धन्यवाद है, सदगुरु का धन्यवाद है, जिस सदगुरु ने हमें यहाँ भेजा है, एकत्रित किया है, हम यहाँ ज्ञान का आदान और प्रदान करने के लिए आए हैं और हम इस जगत के अंदर उस कार्य को सफल बनाने आए हैं जो ब्रह्म का है, उसे ब्रह्म को समर्पित करने आए हैं। जो काम का है उस कामनाओं को हम मारते नहीं हैं, काटते नहीं हैं। हमारे सदगुरु कल के अवतार ने यही कहा है कि किसी भी कामना को मारा और काटा नहीं जा सकता है। जो मारा और काटा जा सकता तो कामनाएं उसी क्षण अपना कार्य निर्वाह करके इस जगत के अंदर प्रलय ला देता, और जब प्रलय हो जाता तो न तू होता सुनने वाला और न मैं होता बोलने वाला, परंतु मैं एक हो जाता।
जब हम एक हो जाते हैं ना, उसे प्रलय कहते हैं। मृत्यु वही चीजें हैं, परंतु हमारे अंदर भय डाला गया है। किस चीज का? तो कि हमें रावण की जो दुष्क्रियाएं बता रहे हैं कि वो सभी देवताओं को वश कर सकता है। रावण ने सभी देवताओं को वश किया है, गलत नहीं है। ये जो देह धारण की हुई है हमने, वह रावण नहीं है, परंतु वो दशरथ है। वो दशरथ है। पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेंद्रिय से चलने वाला, परंतु जो उसके अंदर बैठा है वो मन है, जो इस बातों का अनुभव कर रहा है कि मैं कहां से चलायमान हो रहा हूं। समस्त जीवों को ये ज्ञान हो जाता है कि हम इस सृष्टि के अंदर क्यों आए हैं, परंतु हम इस सृष्टि में ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उसे दकार जाते हैं, या भूल जाते हैं, या विस्मृत हो जाते हैं, या इस जगत के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उस चेतना को भूलकर हम कामनाओं की चेतना में व्याप्त हो जाते हैं। यही तो कारण है जन्म और मरण का। कामना रहित है वो महापुरुष हो जाता है, कामना रहित है वो रंग अवधूत हो जाता है, कामना रहित है वो परमहंस हो जाता है, कामना रहित है वो ईश्वर बन जाता है। ऐसी स्थिति को लाने के लिए हम स्वयं को कामनाओं से रहित कर, यानी कि जितने भी धर्म हैं उन सभी का त्याग करने के लिए कहा है कि मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ, मेरी शरण में आ, मेरी शरण में आ, मेरी शरण में आ। पर ये मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, कभी प्रश्न नहीं किया है। सिर्फ मैंने ये कथा सुनी, वो कथा सुनी, यहाँ से ज्ञान लिया, वहां से ज्ञान लिया, और ज्ञान लेते लेते जब तक मैंने नहीं अपनाया है तो फिर मैंने सिर्फ उस देह के अंदर वो बुद्धि रखी हुई है जो इस सृष्टि के अंदर कर्म का नाश करने की शक्ति है। उसमें सतोगुणी कर्म और तमोगुणी कर्म दोनों का नाश करके थोड़े से समय में अच्छा और बुरा फल प्रदान करके उस कर्म से मुक्ति प्रदान करने का कार्य जो है वो शिवात्मा रामदास है। तो कुछ कहने के लिए मुझे जरूरत नहीं है, मैं सुनने के लिए कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करके बैठा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है वो दिया हुआ मेरे कर्मों का है, परंतु मेरे कर्म आए कहाँ से, मैं उदय कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, यही समझने के लिए दुर्गा सप्तशती के अंदर तो स्वयं चेतन को अवतरित किया, और चेतन ने जब शरीर को धारण किया तो उस शरीर के अंग अंग से हर प्रकार के जीव उत्पन्न हुए। लेकिन सबसे पहला जो जीव उत्पन्न हुआ वो वही समझाया गया है, उसे समझ लो। क्या कहना चाह रहे, कानों से मल उत्पन्न, यानी कि स्मृति आई सुनने की, चेतना आने के साथ जब स्मृति आती है तो ही हमने अपने आप को जाना। स्मृति आने के बाद ध्यान आया, तो ध्यान तो कहाँ से आया, कैसे स्मृति हुई, कौन सी स्मृति हुई, तो इस जगत के अंदर जन्मों जन्म भुक्तमान करते हुए हमने यह मनुष्य देह जन्म पाया है। परंतु लख 84 इंदज पिंडज उष्मज और स्वेदज, ये चार प्रकार की जो प्रकृतियां हैं उससे परे कुछ नहीं है। उसमें जन्म लेते लेते लख 84 का जन्म लिया। आप सोच लो जी 84 है तो एक दिन क्या इंदज पिंडज उष्मज और स्वेदज उसी में से प्रकट हुआ है। तो हमने इस सृष्टि के अंदर सर्वप्रथम अंगारों से, जैसे सूर्य है अभी प्रत्यय प्रलय काल लगता है ना सूर्य के पास जाते हुए, बस उसको समझ लो, वही समझाने के लिए आए हैं कि ये सूर्य जो है अपने देह के अंदर विराजमान है, अपने शरीर की वही ऊर्जा है, हम तो शरीर की किरण से बने हुए शरीर आए हैं और कुछ नहीं, उसी में से उत्पन्न हुए, उसी को तो कहते हैं आवर्तन, संवेदनाएं, तरंगे, किरणें, आवृत्तियां, ये सब जो नाम दिए हुए हैं वही इस सृष्टि के अंदर चलायमान शक्ति की शक्ति है। उस शक्ति को हम नहीं जानते हैं।
जब उसे प्रगट किसने किया तो बोले आद्य शक्ति ने। तो आद्य शक्ति कौन से हैं? बहु उत्पन्न होता है, तो कि सर्व प्रकार के अंदर आद्य शक्ति वही है जो हम स्वयं को एक बात से दूसरी बात का अनुभव करके अनुभव करते हैं। शरीर के द्वारा हमें इस जगत के अंदर अच्छी बुरी मीठी खाटी तीखी तेज खाटी गारी मौड़ी दूरी हर प्रकार के स्वादों का अनुभव होता है, और हम वो स्वाद का अनुभव करके इस देह को वो अनुभव करवाते हैं कि जो हमारे देह को आराम प्रदान करें। हमारा ये जो देह है वो ईश्वर की देन है कि हम इस देह के द्वारा जो मनुष्य जन्म है वो हमारे ईश्वर की देन है। इंड पिंड उष्मा और स्वेदज, उसमें चार प्रकार की जो पिंड इंड और उष्मा से बनी हुई ये जगत सृष्टि है, उसमें भी सतोगुण तमोगुण रजोगुण रहता है, परंतु जो चौथा गुण है वो गुप्त रहता है, वो समझना है। अब जब तीन गुण हैं, सतोगुण सत्य है, उसी में से तो रज निकला है और उसी में से तम निकला है। तम कोई भेद नहीं, तम सिर का प्रकार यानी अंत है, और अंत की सेवा कुछ होता ही नहीं है। जो अंत है तो ही जो पंत है, जहाँ अंत नहीं, जहाँ देह और मन किया अभिमान, जहाँ देह और मन किया अभिमान, बस वहीं मेरा नाश हो जाता है, वहीं मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूँ, वहीं मुझे अपने आप को ईश्वर की शरणागति प्राप्त हो जाती है, वहीं मैं सत्य धर्म निष्ठा से कर्म करता रहता हूँ, वही मैं परहित काज के लिए कर्म करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता हूँ, वही जग सृष्टि इस सृष्टि के अंदर मेरे जन्म के पहले मेरे माता के रुधिर के द्वारा मुझे प्राप्त हुई, और जब मैं इस जग सृष्टि के अंदर पद्म कमल के धारण करके पद्म कमल की धारण करके यानी पद्म कमल को भी धारण किया है, और पद्म कमल में से ही इस जग सृष्टि के अंदर अवतरण हुआ है, यह सदगुरु की कृपा होने पर ही प्राप्त होता है, अन्यथा प्राप्त नहीं होता है। अब भेद यही है, इस भेद को समझो, अगर ये भेद समझ में नहीं आए तो हमने ये मनुष्य जन्म जो अवतार लिया है वो इंडज पिंडज उष्मज और स्वेदज, इस चार प्रकार की प्रकृतियाँ हैं, प्रकृतियाँ हैं, यानी ये प्रकृतियाँ तो हैं ही हैं, लेकिन इसके अंदर इस प्रकार के 84 लाख जीवाजुनी बनाए गए हैं, जो एक घंटे का भी जीव होता है, एक साल का भी जीव होता है, 2.25 दिन का भी जीव होता है। ईश्वर ने सभी को अपने अपनी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार प्रकट किया, और उस स्थिति के अनुसार जब वो जीव अभ्यस्त हो गया तो जैसे जैसे वो अभ्यस्त होता गया वैसे वैसे उस जीव को ज्ञान होता गया। जब हम खुद अनुभव करके भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं तब हमें सद्गुरु शिवात्मा रामदास यानी जो जो भी धर्म को मानता हो उसमें कोई बांध छोड़ नहीं है, उसके अंदर जो सत्य गुण बताया गया है सतोगुण तत्व उसको समझना है। इतना समझ लो कि अंग्रेजों में ये बताया गया उसके अंदर ईसा मसीह इतना ज्ञानी हो चुका था क्योंकि वो भारत भूमि में आकर उसने सदगुरु शिवात्मा रामदास यानी सदगुरु स्वयं को पाया था, स्वयं के साथ अनुभव करने की शक्ति को उसने अनुभव किया था। इस सृष्टि के अंदर वो जो अनुभव करवा रहे हैं वो सभी को नहीं करवाता है करता है, और सभी को जो करवाते हैं वो उनके शिष्य होते हैं। इसीलिए जब आत्मगुरु शिवात्मा रामदास स्वयं अंदर प्रकट होकर वो ज्ञान प्रदान कर देते हैं, प्रगाढ़ ज्ञान प्रदान होने के साथ ही वो काम क्रोध मद लोभ मोह माया आलस ऐश्वर्य अहंकार और कर्म फल तक पहुंचकर अपने इस कर्मों को निवृत्त करने की स्थिति में आ जाता है। वो श्री सद्गुरु की शरण में जाना यानी मानवता का अभिमान नहीं होना,
दिखावा नहीं होना, मानवता का अहंकार नहीं होना और मानवता का ये विकार भी नहीं होना कि मैं हूँ, मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ तभी होता है। करता हरता तो मेरा कर्म है, जिस प्रकार के भी मैं कर्म करता हूँ उसी प्रकार के मेरे आसपास में औरा बनती हैं। तो मेरे पास पास में ऐसी औरा क्यों बनी कि मैंने ऐसा कर्म किया? तो मैंने ऐसा कर्म कौन सा किया जिससे बुरी ऊर्जा बनी, औरा बनी, तेज को भूल गया, अंधेरे के वशीभूत हो गया, सत्य से परे हो गया, अंधेरे में गरकाव हो गया। मैंने स्वयं अपने आप का प्रकाश अपने अंदर देख लिया तो मैं स्वयं ईश्वर से साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। ये प्रत्यक्ष है, इसमें कोई परोक्ष नहीं है, ये अनुभव है। अनुभव करोगे तो पाओगे। और ये जो कहते हैं कि अनुभव किया हुआ बताया नहीं जाता, वो नहीं बता सकते जब तक उसका अनुभव हो गया, और फिर बाद में कुछ नहीं बता सकते हैं। उसे कहते हैं परमानंद, उसे कहते हैं परमहंस और रंग अवधूत अवस्था। अवधूत अवस्था और परमहंस, जब ऐसी स्थिति प्राप्त होकर हम अपने देह को इस जगत विश्व के समस्त जगत के जो भी कारण भूत हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह माया आलस ऐश्वर्य अहंकार और ये जो कर्म फल से प्रकट हुआ है, वो यही है कि सद्गुरु की शरण में मिल गए। हमें शरणागत होना होगा, हमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना है। ये जो समझाई गई हैं, बहुत से ऐसे ज्ञानी विज्ञानी हो गए हैं, अपने अपनी तरह से समझा रहे हैं, वो सत्य हैं, परंतु इतना गुण रहस्यमय जो सत्य हैं, जो समझ में खुद को नहीं आएगा तो वो दूसरों को क्या बताएगा। जब खुद समझ लेंगे, खुद उसका अनुभव कर लेंगे, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, और जब तक वो देहधारी चेतन मन अवस्था नौ द्वार तक हैं, तब तक ही वो अपने आप को अनुभव कर सकता है। और जब दसवें द्वार में उस चेतन अवस्था का अंदर प्रागट्य हो जाता है, तब उसके बाद वो बाहर की कोई भी आवाज़ संस्था सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं शून्यमय हो जाता है। और वही ईश्वर है, शून्यमय होना, हर प्रकार की तरंगों से मुक्त होना है, जिसे कहते हैं शून्यमय होना। क्योंकि समस्त जगत के अंदर आकाश भ्रमित कर रहा है, और आकाश जब भ्रमित करता है तो उसके बाद भ्रमित होने के बाद हम खुद भ्रमित हो जाते हैं, और हमें देहिक अनुभव होने के साथ ही हम जगत विश्व के अंदर ये जो कर्म करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, वो है हमारे कर्म जो करने की क्रियाओं को वेग प्रदान करने वाली मन की गति, जिसे हम विचारों के द्वारा प्रकट करते हैं। और वो विचार जब हमारे मन के अंदर प्रागट होकर जब हमें अपने मस्तिष्क के द्वारा वैसी क्रियाएं करने के लिए साबद्ध कर देता है, पूर्णतया साबद्ध करना, यानी उसके अंदर वशीभूत करना। अच्छा और बुरा दो चीजें हैं, फिर वापस वही चीज आ जाती है, अच्छा और बुरा। जब ये निष्कर्ममय क्रियाएं होती हैं, तब सारी क्रियाएं अक्रियाएं बनकर ओंकार में, और ओंकार से कर्म करते हुए निष्कर्म होने के लिए
समझ समझ में भेद हैं, दुना समझे नादान, समझ समझ की भेद हैं, कहा कुछ सुना कुछ और अनुभव किया कुछ, तब जाके हुआ साक्षात्कार। मृत्यु अवस्था ऐसी है जो को निर्विचार होना वो मृत्यु अवस्था है, निर्विचार होना वो मृत्यु अवस्था है और कुछ नहीं। हम अगर जीते जी मृत्यु अवस्था को, निर्विचार अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो समझ लो हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि वो किसी का द्वेष नहीं करता। ईश्वर किसका द्वेष क्यों करेगा? वो तुम्हारा भला क्यों करेगा और तुम्हारा बुरा क्यों करेगा? वो तो देहधारी जो जीव है उसके द्वारा जो कर्म हुए हैं उस कर्मों को फलीभूत हुए कर्मों को जो दोष हैं वो दोष और जो सतोगुणी कर्म करने पर सुख प्राप्त होता है वो सतोगुण में व्याप्त करते हैं, और तमोगुण धारण देह यह जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं इसे हम धारण करते हैं, यही शिव है। क्योंकि देह में जब प्राण फूंके जाते हैं तब ही वो देह सक्रिय होता है। जब देह में प्राण फूंके जाते हैं तो देह में प्राण फूंकने की स्थिति और परिस्थिति अलग अलग प्रकार की होती है, क्योंकि सबसे बड़ी जो जगहन बात यह है कि हम पंच महाभूत तत्व के अर्थ को समझ ले। हमने पंच तत्व को समझा, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, और इसके ही पांच दूसरे जो शरीर हैं सूक्ष्म शरीर हैं उसे समझना है, स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर है वो स्थूल शरीर है। इसके अंदर विज्ञान शरीर है, विज्ञान के अंदर मनोमय शरीर है, मनोमय शरीर के अंदर आवरण की जो आत्मा है उसका जो गतिमान करने का केंद्र है, वो गति को प्राप्त करता है। और जो वो चेतना है स्वयं, वो स्वयं शून्य से अंदर चलायमान होते हुए भी स्थिर है, क्योंकि जब तक किसी भौतिक वस्तु में बाह्य बल न दिया जाए तो उस स्थूल पदार्थ का हलन चलन भी नहीं हो सकता है। इसीलिए इस जगत के अंदर जो क्रियाएं करने के लिए देह को धारण करना आवश्यक हुआ, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से इस देह को धारण करने की शक्ति प्राप्त होती है, और जिस प्रकार का भी सूक्ष्म शरीर होगा उस प्रकार की उसकी देही कर्म क्रियाएं होंगे। इसीलिए हर जीव को अच्छे बुरे अपने पराए मन को अच्छे लगने वाले, शरीर को अच्छे लगने वाले, देही सुख प्राप्त होने लगा, और देहिक सुख प्राप्त होते होते जब मैंने अनेकों व्यक्तियों को, अनेकों जीवों को, अनेकों शरीरों को नाश होते हुए देखा और उसमें से निकलती हुई जो आत्मा है इस ब्रह्मांड के अंदर परिभ्रमण कर रही है, वो पद परिभ्रमण कर रही है, परिभ्रमण कर रही है,
जिस जिस प्रकार की जो चेतन आत्म तत्व हैं, जो विचार जिस प्रकार के हैं, वो उस प्रकार के शरीर को धारण करने के लिए, उस प्रकार के देह को धारण करने के लिए, उस देह को धारण करने की शक्ति को प्राप्त करता है, और उसके प्राप्त होते ही उसे उस प्रकार के सतोगुण से सतोगुण और तमोगुण से तमोगुण देह प्राप्त होती है। वेदों में पुराणों में लिखा है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुख से उत्पन्न हुआ। इसका अर्थ बड़ा गहन है कि उसने वाणी बताई, बोलना चालना सिखाया, वही ब्राह्मण है। ब्रह्म उसके द्वारा ही तो हम बोल चाल सकते हैं, अन्यथा हम किसी शक्ति में बोलना चालना हमारे साथ हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? सदगुरु की शरण में जा तो होने लगेगा। इसीलिए कहा है, सदगुरु की शरण में जा और शरणागत हो जा, तुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ अपने आप होता जाएगा। परंतु उतना विश्वास कर और जो कर्म तेरे सामने हैं वो करते जा। तुझे अहंकार नहीं करना है, तुझे विषैला नहीं होना है, तुझे अपने पदार्थ को भूलकर अपने तेज के अधीन होकर स्वयं को प्रकाशित करना है। और खुद को प्रकाशित तब कर पाओगे जब सत्य, निष्ठा, अहिंसा, धर्म, इन मार्गों पे चलने के लिए प्रतत्त होगे। क्योंकि पांच प्रकार के तत्व अग्नि, जलवायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश, पृथ्वी। आकाश है वो बहुत विशाल है, और जो आकाश है वो विशाल है, परंतु जो अग्नि है वो शून्य है। अग्नि शून्य इसीलिए है कि वो आकाश से नहीं मिली। जब आकाश से मिल जावे अग्नि, तो वो शून्य में से सर्जन करता है, वो सर्जन करता है, क्योंकि वहाँ से वायु उत्पन्न होती है, गर्मी से वायु उत्पन्न होती है। वृत्ति को समझने के लिए इस जगत सृष्टि के अंदर समस्त चीजें सामने प्रत्यक्ष रूप में है, परंतु हम कुछ अच्छे बुद्धिजीवी ऐसे बता रहे हैं जिसे वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने ये ढूंढ लिया, हमने वो ढूंढ लिया, हमने ये ढूंढ लिया, हमने वो ढूंढ लिया, परंतु ये तो वेद और पुराणों में पहले से ही उल्लेखित हैं। तुमने नया क्या किया? नया कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो कुछ ब्रह्मांड के अंदर दिख रहा था, अनुभव हो रहा था, वो समस्त ज्ञान शास्त्रों में है। और शास्त्र इतने हैं कि समझ नहीं आएंगे भैया। बड़ी कठिनाई है समझने में, क्योंकि शास्त्र कहता है कुछ और हम अपने लोभ लालच अहंकार के वशीभूत होकर करते हैं कुछ। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम कुछ करते हैं, क्रियाशील हैं, और हमारी देहिक शक्ति से अधिक क्रियाशील हैं, तो हमारा देह जो क्षीण होता जाएगा, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे भौतिक सृष्टि के अंदर ये बताया गया है कि कोई भी सेल बनाते हैं, चाहे पेंसिल सेल हो, छोटा सेल हो, बड़ा सेल हो, बैटरी हो, कुछ भी नाम दे दो उसे, कुछ भी नाम दे दो जिसमें ऊर्जा संग्रहित की जा सकती है, ये वही शक्ति है जो तरंगित है, स्थिर नहीं है। उस तरंगों के साथ में रहकर, उस तरंगों से युक्त होकर हम अपने इस देह से सर्वप्रथम सदगुरु की शरण में जाकर ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ज्ञान तो सभी देते हैं, इसीलिए कहा है कि गुरु तो कहीं मिलेंगे, गुरु कंटाल भी होते हैं और गुरु महान भी होते हैं, इसीलिए उसका भेद उसके कर्मों के अनुसार समझाया गया है। अभी देख रहे हैं इस कली काल के अंदर ऐसे कितने ही गुरुवर बन चुके हैं जो सत्य का मार्ग भूल गए हैं। उन्होंने शास्त्र को ही आगे रखकर तुम्हें समझाकर वो चीज को समझाया कि ये तत्व है, ये तत्व है, ये तत्व है, ये तत्व है। राम तत्व, कृष्ण तत्व, तत्व राम, राम है,
राम तत्व कृष्ण तत्व तत्व राम राम है। दशरथ के घर जन में राम राम है। चलती सृष्टि इस जगत में कि राम को क्यों लेने पड़ा ये देह, ये भी काम राम है। जो हुआ कर्म वो समझ आया, कुछ और से न समझ कुछ नहीं वो आया। समझ समझ में भेद है, क्या कहा दास ने और तू क्या समझ पाया। शिवात्मराम सद्गुरु गदाम एक है नाम शिवात्मराम शिवा हरि ओम। शिवात्मा राम दास तेरी जय।